और बुरहानपुर जिले के मदीना स्वीट्स की खाद्य सामग्री कचौड़ी में इल्ली निकलने का मामला सामने आया है। बता दें कि मदीना स्वीट्स के से एक युवक ने अपने बच्चों के लिए कचौड़ी खरीदी थी और उस कचौड़ी के खाने से अचानक बच्ची को उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद पिता ने कचौड़ी को ध्यान से देखा तो पाया कि कचौड़ी में इल्ली निकली। कचौड़ी में इल्ली मिलते ही बच्ची के पिता ने इसकी शिकायत मदीना स्वीट्स वाले से की तो उसने उन्हें दुकान से भगा दिया, जिसके बाद बच्ची के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने बच्ची को एमएलसी के लिए जिला हॉस्पिटल भेजा है और मदीना स्वीट्स की जानकारी फूड एंड सेफ्टी यानी कि खाद्य और सुरक्षा विभाग को दी है, जिसके बाद खाद्य विभाग अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर दुकान से सैंपल लिए हैं और उन सैंपल को जाँच के लिए लैब भेजा है। वहीं अन्य खाद्य सामग्रियों पर मक्खियाँ होने के और खाद्य सुरक्षा अधिनियम का बोर्ड नहीं लगा होने पर खाद्य अधिकारी ने नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो कलर जो बता रहे हैं वो हमारे वहाँ का जो मसाले में व्हाइट कलर का हमारा उसमें वहाँ का लाल कलर का बता रहा है। तो जो कचौरी उसने लेके आया है वो आगे आके नहीं है, मुझे तो नहीं लग रही मेरा क्योंकि फोटो में बता रहे हैं। वो शिकायत कर रहे हैं कि आपके यहाँ से लिए और करीबन एक बजे दो बार एक बजे करीब लिए हैं, तब ये कचौरी भी साफ पैक करके ले जाते हैं यहाँ पे, जैसे और अन्य सामान भी खुला पड़ा हुआ है और मक्खियाँ भी मिला रही है। आप क्या वो मानक का बोर्ड नहीं लगा हुआ है? जो मानक का बोर्ड होता है उसको आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस है। क्या नाम लिखते हैं आप? मदीना दूध। अरे मदीना सिंह, मदीना होटल वाला है ब्रांडपुर के अंदर एक पाल चौक है, वहाँ से कचौरी लिए थे उसके साथ इंडिया वगैरह निकल रही है। ये लोग मतलब साफ सफाई से काम करते नहीं, मैदा वैदा छानते नहीं है, मैदे की इंडिया निकल रही है उसमें से कचौरी में। तो बच्ची ने खा ली हो, थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था और उल्टी हो रही थी उसको। कब की घटना है ये? दोपहर 1 बजे। तो आपने दुकान वाले शिकायत की इसकी? दुकान वाले से बात की तो वो मतलब कहने का वो ऐसे लाइट ली है उन्होंने, बोले तो फिर मैं वहाँ बोले यार होता चलता है, चलो यार तो कोई बात नहीं। तो मैं निकल गया वहाँ से वापस, तो रास्ते में इसने कहा कि उल्टी होने कर रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर मैं वापस आया। इसके बाद बच्चे क्या स्कूल में थी क्या बच्ची? हाँ स्कूल से लेकर आया था बच्चे को सब्जी भाजी खरीदे, तो बच्चे ने कहा कि पापा कचौड़ी दिलाओ, तो मैंने कचौड़ी दिलाई। अभी एक कंप्लेन पुलिस थाने से जो कोतवाली थाने से DI साहब ने बोला है कि किसी को कचौरी खाने से उल्टी दस्त हो गए हैं, उसकी जांच करने के लिए हम मदीना होटल पे आए। तो क्या किया फिर आपने यहाँ? मदीना होटल पे हमने जो कचौरी उन्होंने बताया कि इससे हमको उल्टी दस्त लगा उसका हम नमूना ले रहे हैं और जांच के लिए भोपाल भेजे। जी शिकायतकर्ता का आरोप है कि कचौरी के अंदर कीड़े निकले। इलिया बताई उन्होंने? इलिया निकले वो, हमने तो हमको तो नहीं बताई कचौरी, बताइएगा तो देखते हैं। कचौरी उसके पास सर? हाँ तो इसको नोटिस देंगे, लाइसेंस भी नहीं। दूसरा जो खाद्य सामग्री खुली पड़ी है, मक्खियाँ भिन्न बना रही है, इसके लिए हम इसको नोटिस देंगे, इसके लिए हम 1832 का इसको नोटिस देंगे।